गुड मॉर्निंग क्लास थ्री, हिंदी की बुक सृष्टि हिंदी पाठमाला निकालिए। पाठ 16 खोल लीजिए। पाठ 16 है हमारा शरीर के अंग, तो हम शरीर के अंग के बारे में पढ़ेंगे। एक बार जीभ और दांत की सफाई में लड़ाई हो गई। दोनों मिलकर पेट के पास फैसला करने के लिए पहुँचे। तो दांत, एक दिन दांत और जीभ की लड़ाई होगी, फैसला करने किसके पास पहुँचे, पेट के बारे में। तो इस कहानी को मैं पढ़ रही हूँ, घर पे आप इसे पढ़िएगा। पेट भैया, मैं 24 घंटे मेहनत मजदूरी करता हूँ लेकिन स्वाद जीभ को मिलता है। जीभ बोला, नहीं भैया, दांत तो उसी चीज़ को तोड़ता फोड़ता है जो उससे तोड़ा जा सके। अब आप ही फैसला करो। दांत कह रहा है, मैं 24 घंटे मेहनत मजदूरी करता हूँ लेकिन स्वाद जीभ लेता है। तो जीभ कह रहा है, नहीं भैया, दांत तो उसी चीज़ों को तोड़ता फोड़ता है जो उससे तोड़ा जा सके। अब फैसला आप करें। पेट, चलो हम दिल के पास चलते हैं। तो पेट कहाँ, चलो हम दिल के पास चलते हैं। दिल मतलब हृदय। आइए आप लोगों का स्वागत है। हृदय कहा, आइए आप लोगों का स्वागत है। क्या बात है कि आप तीनों शांत हैं। पेट, समस्या गंभीर है। जीभ और दांत दोनों आपस में लड़ रहे हैं कि हम मिलकर काम नहीं करेंगे। पेट कह रहा है कि दांत और जीभ दोनों मिलकर लड़ रहे हैं कि हम मिलकर काम नहीं करेंगे। नेक्स्ट पेज ओपन कीजिए। हृदय, यह तो आपकी समस्या है। आप जाने, जीभ और दांत सारा दिन गुलामी आपके लिए करते हैं और आप आराम करते हैं। हृदय कह रहा है पेट से कि यह आपकी समस्या है। आप, जीभ और दांत दिन भर गुलामी करता है आपकी, पेट की, और आप दिन भर आराम करते हैं। पेट, चलो हम हाथ के पास चलते हैं। अब पेट ने कहा दांत और जीभ से कि चलो हम हाथ के पास चलते हैं। तो हाथ के पास आए। क्या बात है, आप लोग कुछ चिंतित देख रहे हैं। पेट, हाँ हाथ भैया, कुछ करो, नहीं तो मैं अब भूख से तड़प कर मर जाऊंगा। दांत और जीभ मुझे खाना नहीं देते हैं। पेट ने कहा हाथ से कि दांत और जीभ मुझे खाना नहीं देते हैं। हाथ, कमाल की बात है, जीभ और दांत आपको खाना नहीं देते हैं। यह बात सुनकर हाथ ने पेट से कहा, कमाल की बात है, जीभ और दांत आपको खाना नहीं देते हैं। पेट, हाँ ये सब मुझे खाना नहीं देते हैं। पेट कह रहा कि हाँ सही बात है, ये दोनों जीभ और दांत मुझे खाना नहीं देते। हाथ, तो और कौन देता है। तब हाथ ने कहा कि अगर दांत और जीभ खाना नहीं देते हैं तो आपको खाना कौन देता है। तो आपके पेट को कह रहा, आपको खाना कौन देता है। पेट, मुझे नहीं पता। तब पेट ने उत्तर दिया, मुझे नहीं पता। हाथ, मैं देता हूँ आपको खाना। सारा दिन काम करता हूँ, बोझा उठाता हूँ, मजदूरी करता हूँ, लिखता हूँ, खेलता हूँ और सफाई करता हूँ। जीभ और दांत केवल आराम करते हैं। अगर मैं मेहनत करना छोड़ दूं तो आप भूख से तड़पने लगेंगे। किसने कहा, हाथ ने। पैर, अरे हाथ, तूने तो कमाल की बात कही। तुम भूल गए कि मेरे बिना तुम अधूरे हो। पैर ने कहा हाथ से कि तुम तो बहुत कमाल की बात कहे हो, बहुत अच्छी बात कहे हो, लेकिन तुम भूल गए कि पैर के बिना हाथ अधूरे हो। मैं ही पूरे शरीर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ। तो पैर कहा कि मैं आपको एक हाथ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता, तो मैं सबसे बड़ा हूँ। आँख, अरे आप सब तो सच में स्वार्थी हैं। तो आँख कह रहा है कि अरे आप सब सच में स्वार्थी हैं। सबका मतलब आँख, पेट, दांत, जीभ, पैर, सब स्वार्थी हैं। हृदय, आप लोगों को रास्ता दिखाने में मैं ही सहायता करती हूँ। आँख हमें रास्ता दिखाने में सहायता करता है। मेरे बिना तो आप लोगों का कोई अस्तित्व ही नहीं है। आँख के बिना हम लोगों का कोई अस्तित्व नहीं है।
कान। अब कान कहता, अरे आप जितने भी लोग साजिश कर रहे हैं, अगर मैं जाकर दिमाग सर को बता दूं तो आप लोग ठिकाने पर लग जाएंगे। कान कह रहा है, आप लोग जितने लोग साजिश कर रहे हो, अगर मैं ये जाकर दिमाग यानी आपके सर को बता दूंगा तो आप लोग को ठिकाने लग जाएंगे। सारी दुनिया की खबर मैं ही आप लोगों को बताता हूँ। कान अपनी तारीफ करते हुए कह रहा है कि सारी दुनिया का खबर मैं ही आपको बताता हूँ। अगर मैं साजिश कर रहे हैं, जो आप एक दूसरे के बारे में बता रहे हैं, अगर ये जाकर मैं सर दिमाग को बता दूं तो आप लोग का क्या होगा। नाक, अब नाक क्या कह रहा है, अच्छा तो आप लोग मुझे ही भूल गए। नाक कह रहा है, अच्छा तो आप लोग अपने बारे में बोल रहे हैं, मुझे भूल गए। मैं अगर 5 मिनट के लिए अपना रास्ता बंद कर दूं तो आप सभी कांपने लगेंगे। नाक कह रहा है, अगर मैं 5 मिनट के लिए अपना नाक बंद कर दूं तो आप सभी कांपने लगेंगे। इतना ही नहीं, सुगंध और दुर्गंध का एहसास भी मैं ही कराते हूँ। नाक कह रहा है कि सुगंध और दुर्गंध की जो एहसास होता है वो मैं ही कराता हूँ। हृदय, अब हृदय बोल रहा है, लेकिन एक बात तो आप लोग सोचिए, अगर हम सब अपना काम करना बंद कर दे तो हमारा क्या बिगड़ेगा। हृदय कह रहा, आप सब लोग सोचिए, हम सब लोग सोचते हैं, अगर हम सब अपना काम करना बंद कर दे तो हमारा क्या बिगड़ेगा। जीव, कुछ भी नहीं, बेचारा पेट भूख से तड़पने लगेगा। चलो फिर आज से ही हम अपना काम बंद करते हैं। तब ये बात सुनकर जीव ने कहा, कुछ नहीं, बेचारा पेट भूख से तड़पने लगेगा, तो चलो आज से हम अपना काम बंद कर देते हैं। पेट, कोई बात नहीं, मैं भी तो आप लोगों को ऊर्जा देने के लिए और स्वस्थ रखने के लिए काम करता हूँ। तो पेट का, मैं भी तो आप लोगों को ऊर्जा देने और स्वस्थ रखने में सहायता करता हूँ, सही बात है। हाथ कह रहा, मैं आज पेट को खाना नहीं दूंगा। तो हाथ कह रहा कि आज से मैं अपने हाथ से मुंह में निवाला ही नहीं दूंगी तो पेट को भोजन नहीं मिलेगा। हाथ कह रहा, आज मैं पेट को खाना नहीं दूंगा। तो जीभ कह रहा, मैं भी आराम करती हूँ, 2 दिन तक कोई भी पेट को खाना नहीं देता है और पेट बेचारा चुपचाप देखता है। शरीर के सारे अंग शिथिल पड़ने लगते हैं, सभी अंग। पेट सर, हमें माफ़ कर दो। पेट, क्यों नहीं, मैं तो राजा हूँ और राजा का काम है अपनी प्रजा को सुखी रखना। अब तुम लोग समझ गए कि जिस प्रकार कार और मशीन में पेट्रोल डीजल डालने के बाद ही कार या मशीन चलती है, उसी प्रकार आप लोगों को काम करने के लिए मैं ऊर्जा देता हूँ। सही बात है, पेट वही ऊर्जा देता है क्योंकि हमारे पेट में भोजन होते हैं। जब तक हमें भोजन पेट में नहीं रहेंगे, हमें ऊर्जा नहीं मिलेगी तो हमारा कोई भी शरीर का अंग काम नहीं करेगा। दिमाग, हाँ पेट भैया, मैं तो यह सब कुछ देख रहा था और चुप था ताकि हमारे शरीर के सारे अंग एकता के महत्व को समझे। मेरा काम ही है सोच समझ कर सही काम करना और उचित सलाह देना। सारे अंग, हम सब एक हैं। तो शरीर के अगर सारे अंग एक नहीं होंगे तो हमारा शरीर सही नहीं रहेगा, इसलिए शरीर के सारे अंग को अच्छे से रखना चाहिए। तो ये हमारे थे। अब आइए नीचे, गुलामी, परतंत्रता, फैसला, निर्णय, शिथिल, ढीला, गंभीर, जटिल, साजिश, पर्यंत्र, प्रसरण, समस्या, परेशानी, एहसास, महसूस, अस्तित्व, किसी वस्तु या व्यक्ति के होने का भाव, स्वार्थी, अपने लिए सोचने वाला या मतलबी। शब्द अर्थ आप अपने हिंदी की कॉपी में लिखेंगे और इसको लर्न करेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। बाय बच्चों।